हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पोकटी वर्ल्ड में। और आज मैं दोपहर में ये व्लॉग्स शूट कर रही हूँ और अभी मैं बस यहाँ पे दाल छौंका मार रही हूँ क्योंकि दाल मैंने बना ली थी और बस उसमें तड़का मारना था। तो मैं आज ना खाना बहुत ही हल्के मसाले में बना रही हूँ। मसाला तो हमेशा ही हल्का डालती हूँ पर आज कुछ वजह से ही बहुत ही हल्के मसाले को लेकर ही बनाऊँगी। तो दाल में बस मैंने टमाटर का छौंका मारा और इधर मैंने चावल वगैरह भी चढ़ा दिए क्योंकि एक साथ धीरे धीरे सब काम होता जाता है तो सही रहता है। और यहाँ मैंने फिर चावल चढ़ा दिया। इधर देखिए, सब इन्हीं की वजह से ही आज मैं खाना बहुत सादा बना रही हूँ क्योंकि आज रीज़न ये था हल्का मसालेदार खाना बनाने का, क्योंकि मेरी बहन आई हुई है और उसके दोनों बच्चे जो है, एक तो काफ़ी छोटा है जैसे कि मेरी बहन की गोद में दिख रहा है। और ये खाना तो इन सबके बच्चों के लिए तो यही होता है ना कि दाल बिल्कुल हल्के उसकी होनी चाहिए। वैसे मैं तड़का मार के बनाती हूँ बट अलग दाल भी निकाल सकती थी, मैंने कहा कोई नहीं सिंपल सब खा लेंगे। तो मैंने दाल वैसे ही बस नॉर्मल टमाटर से ही छौंका मार दिया। और जो और इससे एक बड़ा बेटा है तो वो भी, और मेरा भी बेटा वो भी हल्के ही मसाला खाता है तो, लेकिन वो थोड़ा सा खा लेता है पर सिस्टर के जो बेटे हैं वो इतना नहीं खा पाते तो उसकी वजह से। और यहाँ पे ये देखे चिप्स, बच्चों को पता नहीं क्यों इतना चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का ना इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि वो लोग ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जहाँ देख लेंगे बस वहाँ पर ही जो है सीधे इन लोगों को कुछ और फिर दिखता ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक। और चाहे जितना आप इनसे छुपा के रखो, अलग रखो, बस ये लोग को चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। तब तक यह कोल्ड ड्रिंक की हम लोग बात ही कर रहे थे तब तक हस्बैंड बोले कि फिर से एक थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। और एक बॉटल का थोड़ा सा फिनिश हो चुका था, बाकी फिर मैंने न्यू बॉटल ओपन की। और गर्मी भी इतनी है ना कि ये सब हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अमृता के लिए, मीन्स मेरी जो बहन है उसका नाम है, उसके लिए और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक ले आई। बट वो कोल्ड ड्रिंक उन लोगों ने ना पी के बच्चों को दे दी क्योंकि वो लोग आके खेलने के बाद आके बैठ गए और वो लोग मांगने लगे। और इधर देखिए इनको, बेटू क्या कर रहा है छोना, ये अपना अकेले आके इधर कार की दुनिया में बिल्कुल खोया हुआ था। और जो है मैं इसको इतना आवाज़ दे रही थी कि देखो मेरी तरफ, एक बार भी नहीं देख रहा था, ये बहुत बिजी बस। लेकिन अभी जाके मेरे को देखा तो फिर इसके दिमाग में भी, बच्चों के दिमाग में कितना वो होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, अभी मेरे को देख लिया है इसने, अभी ना ये फिर स्लाइड करने के लिए मेरे से बोलेगा। अब मैं समझ तो पा नहीं रही थी, अभी जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, उठा है और यहाँ पे स्लाइड के पास जाएगा तो स्लाइड खुद तो कर नहीं सकता, तो मेरे को मेरा हाथ पकड़ के जो है ले जाएगा और कहेगा कि मेरा हाथ पकड़ के इशारा करता है कि चलो मुझे स्लाइड करवाओ। तो यहाँ पे वही अभी आ रहा है मेरे पास हाथ पकड़ के बोलने के लिए कि स्लाइड करवाओ मासी। तो यहाँ पर वापस मैं उसको स्लाइड करवा के उसके साथ थोड़ा खेल के मस्ती करके फिर यहाँ वापस मैं किचन में आ गई थी। और अब मुझे दाल मैंने बना ली, चावल मेरा बन गया था, बस ये था भिंडी बननी थी तो वो भी मैंने बहुत हल्के सी हल्दी और धनिया पाउडर डाल के ही बस बनाया है और उसमें कुछ डाला नहीं था। वैसे ही उसको बस तड़का मार दूंगी हल्की सी। और जैसे इन लोगों को खाना होगा, हस्बैंड या अमृता को खाना होगा, मेरे को भी, तो मैं हम लोगों ने अलग से जैसे अचार या मिर्च के साथ थोड़ा चटपटा सा हो जाए तो अचार और मिर्च ले लेंगे। तो बस ऐसे ही जो है, हाँ मैंने हल्की फुल्की मतलब बिना मसाले की ऐसे ही हल्की फुल्की सब्जी बना ली भिंडी की। ऑनलाइन से खाने पीने का सामान मंगा लिया था, उसमें से अभी फ़िलहाल तो सब पेटीज़ वगैरह, जो आलू पेटीज़, पनीर पेटीज़ सब मंगवा लिया था। तो वही समय भी बच्चे खा रहे हैं कि सोचा उन्होंने कि बच्चों के लिए कुछ मंगवा लिया जाए, खाएंगे तो बच्चों के साथ साथ फिर हम लोग भी जो है खाने में जुट गए यहाँ पे।
तो बस मज़ा आ रहा था खाने पीने में, और जो है बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अमृता को मींस मेरी सिस्टर को इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो जॉब में है, तो कभी कभी ऐसा वो आ जाती है। तो उस बेटे का मन था कि चलो मासी के घर चले, और वो मेरे बेटे के संग जो है खेलते हैं, आपस में दोनों खेलते हैं, तो लोगों को मज़ा आ जाता है और बच्चों का भी मन बहल जाता है, और साथ साथ में जो है हम दोनों बहनें भी मिल लिए तो होता है ना, मज़ा आ जाता है। कभी कदार तो ऐसा होता है, नहीं तो फिर अपनी अपनी लाइफ में सब बिज़ी रहते हैं तो मिलने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वो आ गई थी मिलने के लिए। तो बस उसी के संग पूरा दिन हम लोगों का बीता, और इधर मैं आ गई किचन में, वापस जितना खाना पीने की चीज़ें थी सब रखी और फिर समेटा सारा किचन। उसके बाद यहाँ पे अमृता आई, तो उसने बोला कि भिंडी में ना थोड़ा सा मैजिक मसाला जो होता है वो डाल दो, तो चटपटी शंकर जी, एक विकेट वाले शंकर भगवान जी और एक हॉकी वाले शंकर भगवान जी, है ना? भगवान जी आशीर्वाद दे दीजिए हम लोगों को, आशीर्वाद दे दीजिए। थैंक यू भगवान जी। यहाँ पर दोनों बच्चे ना शिव जी का रूप धारण किए हुए थे, और मतलब कि दोनों ने सांप लटकाया हुआ था एक एक गले में, अपने अपने गलों में। तुमको कुछ मांगना तो मांग लेना। इधर शो गया मेरा पापू, अब इधर पिलो ना, इधर डाल देना वो वाली पिलो, इधर कर दो, बीच में नहीं करना, वो साइड वाली पिलो। एक इधर रख देते, देखते रहेंगे बीच बीच में, चेक करते रहेंगे, सोता रहेगा। ये नींद में ही था ना, इसको नींद आ रही थी ना। चलो माँ तुम बाहर चलो, तुम शंकर भगवान जी से निपटो, चल कर। चलो बखू बंद कर लेना, हम लोग जा रहे हैं। हेलो भैया, एग्जिट वाले पे आइए। तो अभी निकलने का वक्त हो गया था, और अब अमृता बस यहाँ पे ओला जो हायर किया और उसने, और फिर उसका टाइम भी हो गया था जाने का, तो अभी वो अपने घर के लिए निकल रही है और बोल रही थी कि अब तुम लोग आना। तो लगा ठीक है, कभी टाइम फिर मिलता है फिर आएंगे। और ये दोनों का तो बहुत मस्ती हो गई, बहुत मज़ा आ गई। और इसको देखो डुगू को, ये तो बस मम्मा से ही लिपटा रहता है। तो बस वही, हम लोग नीचे आ चुके थे, उतर चुके थे, ओला का वेट कर रहे थे। तो बस यहीं तक आज का ब्लॉग रखते हैं और यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।